हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने ये थोड़े दिनों पहले एक G20 VCR की वीडियो डाली थी, तो आज ये सोल्ड आउट हुआ है और ये जा रहा है सूरत, गुजरात में ही। तो चलो इसकी लास्ट वीडियो बना देते हैं। AVTR ऑन किया, ये कैसेट बहुत ही पुरानी है और पुरानी मूवी भी है मजाल की, तो उसे लगा के देखते हैं। ये प्ले हो गया है और काउंटिंग भी स्टार्ट हो गई है। सच्चाई को बाहर निकालती है। देख लिए ओनर, अगर ये वाकई अंधा होता तो इसकी तरफ आज हुई किताब को ये कभी देख ही नहीं सकता था। इसने किताब को नहीं पकड़ा बल्कि किताब ने इसके झूठ को पकड़ लिया। That's why I like Indian Penal Code. What? विजय ने? I'm sorry सुनीता, मुझे तुझसे तारीख आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। और वो कमाल, I'm sorry, I'm really very very sorry. तो अब इसे रिवर्स और फॉरवर्ड करके भी दिखा देते हैं। ये फॉरवर्ड हो रहा है, ये स्टॉप और ये रिवर्स। ये फिर से इसे प्ले करते हैं। विजय, ये तो नहीं कर दिया, उल्टी चिरा करके हमारे मुकल को जेल भिजवा दिया। वो झूठा किया था अंकल, उसका जीतना बहुत अन्याय था, इसलिए मैंने चिरा की। इसमें कौन सी गलती की? वकीलों के लिए झूठ और सच कुछ नहीं होता है, बल्कि जीतना और हारना होता है। ये अदालतों के मुकदमे दूध देने वाली गाय की तरह होते हैं। मुद्दई उस गाय को दुम से खींचता है, मुदालय सिंह से खींचता है, और हम वकील बीच में बैठकर उसका दूध और अपना बर्तन भरते हैं। समझे? अगर जो आप कह रहे हैं वो सच है तो फिर ये अदालतें क्यों, ये इंसाफ क्यों, ये कानून क्यों? अगर सिर्फ पैसों के लिए काम करना है तो फिर लोग वकीलों पर भरोसा क्यों करेंगे? देखो, ये वकालतों के उसूल है जो मुद्दतों से चले आ रहे हैं। राम के जमाने में वाणी और सुग्रह में झगड़ा कर। ये VCR कैश ऑन डिलीवरी जा रहा है दोस्तों। अब ये कुरियर के माध्यम से कल सूरत गुजरात के लिए निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।